आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। खास बात यह है कि मुहर्रम के राजपत्रित अवकाश के बावजूद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 से में तृतीय संशोधन पर योगी सरकार की मुहर लग सकती है। सरकार भीड़ हिंसा के पीड़ितों को तत्काल आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। बैठक में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए आ सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों के सार्वजनिक अंत्येष्टि स्थलों यानी कब्रिस्तान पर अवस्थापना सुविधा और संपर्क मार्ग बनेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तृतीय संशोधन के तहत कर्मचारियों के प्रोन्नति संबंधित नियमों में जरूरी बदलाव के साथ ही उद्यान विभाग के संवर्ग 4 के कर्मियों का समायोजन पर विचार होगा। कैबिनेट बैठक में नोएडा के जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बीच पड़ने वाली सरकारी और सार्वजनिक जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग को मुफ्त हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कृषि निर्यात की नई नीति को मंजूरी दी जाएगी। इसके तहत किसानों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। हिंदी फीचर फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी जा सकती है। इसको टैक्स फ्री करने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश दे दिए थे। टैक्स फ्री से संबंधित धनराशि के भरपाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। तो आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें योगी आदित्यनाथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकते हैं। साथ ही कृषि सेवा नियमावली 1993 में तृतीय संशोधन पर योगी सरकार की मुहर लग सकती है। तो हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हम जानना चाहेंगे कि आज मुहर्रम के कारण अवकाश था, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है, तो क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में? किन मुद्दों पर इस बार चर्चा होगी और मुहर लग सकती है? तन्वी, देखिए, आज राजपत्रित अवकाश था मुहर्रम के, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने 11:45 पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की बैठक लोकभवन में, ठीक हमारे सामने लोकभवन की बिल्डिंग है, यहाँ शुरू होगी। और सबसे खास बात यह है कि करीब आधा दर्जन कैबिनेट ने प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, लेकिन खास बात यह है कि भीड़ से जो जान गंवाने वाले व्यक्ति, जो मॉब लीचिंग जिसे कहते हैं, अगर उसमें किसी व्यक्ति की जान जाती है तो सरकार उस पर मुआवजा देने का ऐलान करेगी। आज कैबिनेट में उसके संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। सबसे अहम प्रस्ताव यही है और इसका सरकार ने हवाला दिया है कि जो तहसीन पुणे वाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 256/2016, जो 17 जुलाई 2018 को आदेश पारित हुआ था कि भीड़ द्वारा हिंसा में जान गंवाने वाले पीड़ित या पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत देने के लिए गाइडलाइन तय की गई थी, उसी के तहत आज यूपी सरकार इस संबंध में प्रस्ताव लाएगी। अगर भीड़ में या मॉब लिंचिंग में किसी व्यक्ति की जान जाती है तो सरकार उसकी आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति करेगी, यानी आर्थिक मुआवजे का ऐलान करेगी उनके परिवार वालों को या उनको देगी। ये एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो जमीनें हैं उसके अंडर में जो आ रही हैं, उसको आज निःशुल्क दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा कैबिनेट ने गुड़ और खड़सारी, जो चीनी मिलों में एक उद्योग होता है लघु किसानों का, जो गुड़ जिससे बनते हैं, उसको लेकर के आज कृषि विपणन और विदेश व्यापार विभाग पर प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिसपे कैबिनेट में मोहर लग सकती है। तो करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पे मोहर लगेगी, जिसमें सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटना, अगर भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या होती है या कर दी जाती है या ऐसा कुछ होता है कि मॉब लिंचिंग के तहत वो घटना आती है, तो पीड़ित परिवारों को सरकार आर्थिक मदद देगी। उसके संबंध में आज उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव ला रही है कैबिनेट में। ये सरकार का एक बड़ा कदम है और बहुत अच्छा पहल कहा जा सकता है, कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अगर भीड़ तन द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की जाएगी तो उसको सरकार आर्थिक रूप से मदद करेगी। तन्वी,
जी पंकज, मतलब है कि आज की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ मुहर भी लग सकती है, कई प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं, जिसमें से खासकर आपने बताया मॉब लिंचिंग की घटनाओं में जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें सरकार अपने तरफ से मुआवजे की जल्द राशि देने के लिए बात कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अहम जानकारी देने के लिए।